जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे मध्य प्रदेश भाजपा ने कमर कसकर मैदान में उतरने की तैयारियां कर दी है। और इसी कड़ी में भाजपा एक बार फिर से जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जनता के बीच पहुंचेगी, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी 3 महीने शेष हैं, लेकिन भाजपा ने उससे पहले ही अपनी कमर कसकर अपने 39 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। यही नहीं, बीजेपी ने दूसरी ओर जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में जनता के बीच पहुंचने का फैसला भी कर लिया है। भाजपा द्वारा प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के लिए संभाग स्तर पर तैयारियां की जा रही है, जिसके चलते भाजपा कार्यालय पर संभाग स्तर के पदाधिकारियों ने मंथन किया। भारत माता की इस बैठक के बाद इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर पर इस यात्रा की तैयारियां की जा रही है और इसी कड़ी में भाजपा कार्यालय में संभाग स्तरीय बैठक रखकर सभी पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। साथ ही इंदौर संभाग को यात्रा के लिए क्रमांक 3 आवंटित किया गया, जिसके तहत आने वाली 42 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए, जो पूरी यात्रा के दौरान यात्रा मार्गों को तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में 5 स्थानों पर निकलेगी। इन यात्राओं को क्रमांक दिया गया है। हमारी जो इंदौर की यात्रा क्रमांक 3 है, उसमें इंदौर और देवास मिलकर है और इस क्षेत्र में यात्रा क्रमांक 3 में 42 विधानसभा है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा इन 42 विधानसभाओं से होकर गुजरे, उसको लेकर प्रदेश की 2 बार बैठक केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश के नेतृत्व के साथ हुई है। आज हम इंदौर, जो यात्रा क्रमांक 3 है, इंदौर और संभाग और देवास जिला, उसकी संयुक्त बैठक की है। उसमें यात्रा का स्वरूप किस प्रकार रहेगा, यात्रा का मार्ग क्या रहेगा, क्या क्या तैयारी करना है, उसको लेके हमने जिले के प्रभारी बनाए हैं और जिले के प्रभारी के साथ साथ हमने विधानसभा स्तर के प्रभारी आज बैठक में बुलाए हैं। पूरी यात्रा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, उसको जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व की मंशा अनुरूप नीचे तक ले जाए रहे और यात्रा का स्वरूप को लेकर अब हम विधानसभा स्तर पर कल बैठ के करेंगे और संभावना है कि आने वाले 3 तारीख को, जैसा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, 3 तारीख को ये यात्रा प्रारंभ होने की संभावना है और इसका समापन संभवतः 20 तारीख को, पूरा रूट जब तय हो जाएगा तो 20 तारीख को समापन होने की संभावना है। 25 तारीख को भोपाल में एक महाकुंभ है, माननीय प्रधानमंत्री जी दीनदयाल जी की जयंती पर हम सबको संबोधित करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे होंगे। तो इस प्रकार यात्रा के स्वरूप को लेकर, यात्रा के आयोजन को लेकर आज यहाँ पार्टी कार्यालय पर बैठक थी। इंदौर के भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, झाबुआ सांसद गुलाब सिंह डामोर, धार बड़वानी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मंत्री रंजना बघेल सहित संभाग स्तरीय भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।